सो गाइज दिस इज़ डे नंबर 3। अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। सो जब भी हम चेकआउट करते हैं देखो हम कैसे मैस फैलाते हैं यहाँ पे। खैर ये गौरव तैयार हो चुका है एंड सो मैंने आपको कल रात ही प्रॉपर्टी दिखा दी थी। दिस इज़ द डे व्यू। यहाँ से लेक साइड का काफ़ी सही व्यू आता है इफ़ यू कैन सी। नया और तेज बोल ले। और यहाँ पे फोटो शूट। अरे सौरभ ब्रो जॉइंट रह गए कल रात को। हाँ और कुछ हीरोइन कोकेन गांजा नशा कुछ भी तो, और वो तो सब कर दिया खत्म। सही। और ये बेसिकली यहाँ का व्यू है। मैंने भी नहीं देखा क्योंकि मैं तो सो रखा था। ओके सो झूला भी है, हम झूला भी झूलेंगे। यस। सो बेसिकली प्रॉपर्टी काफ़ी सही है फैमिली के लिए भी और कपल्स के लिए भी अगर आप आ रहे हैं। बेसिकली 6 लोगों के लिए काफ़ी सही स्पेशियस कॉटेज है ये। और कूल पूरी हरियाली से भरी। सो अब हम अभी चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें सत्ताल जाना है क्योंकि कल हमारी जो कयाकिंग रह गई थी हमें कयाक किंग करनी है। सो लेट्स गो गाइस। चलो यार चलते हैं जल्दी। ओके कपल फोटो। पैसा लिया कपल फोटो लेने का? नाइस। ये बैग आप अंदर रखोगे? ये तो अंदर ही है। यस सो फाइनली वी आर रेडी। हम यहाँ से सत्ताल जाने वाले जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। सो हियर वी गो। किसी के खेत में मत डाल दियो। दोस्तों मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। बैटरी पे चालू उठाई। सो गाइस फाइनली वी आर हियर इन सत्ताल। और सत्ताल में अभी जो है हम लोग कयाक बोटिंग करने जाने वाले हैं। अभी हमने जस्ट लंच फिनिश करा है अपना। सो बेसिकली इसमें डबल भी जा सकते हैं, इसमें सिंगल भी जा सकते हैं, बट हम लोग मैं तो सिंगल जाने वाला हूँ। इन लोगों का मुझे कुछ पता नहीं है। सो दिस इज़ लाइक फन। और फिर वहाँ पे जो आपको दिख रहा है लाइक और क्रॉसिंग होगी जो जो मिसेस गुप्ता करेंगी, मिस्टर गुप्ता करेंगे और गौरव करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल हम अभी पानी में जाने वाले हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग कयाक करने वाले हैं। सो एज वी आर ट्राइंग क्या मेरे हाथ में तो मैं इसे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। सो रविन बोल रहा है कि उसको रेस करनी है मेरे साथ। आर यू श्योर रविन? यस
ओके सो फाइनली हम चार लोग ये हुआ करेगा ये तू करो हुआ होता करो एक से अकेला थोड़ी करो देखा मेरी बोट अपने आप चलती है जादू ही बोट है स्पेल कास्ट करा है पक्का दिया पक्का दिया दूरी बनाए रखे वीडियो बना रहे हो अरे मेरे को और भैया को पछाड़ते हुए ये है आम जिंदगी ये है मेंटोस वाली जिंदगी धूप भी काफी तेज होती हुई तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी थर्ड और लास्ट लोकेशन पे जो कि है रवीन क्या है टस्क एंड रॉर रिजॉर्ट जो कि पड़ता है रामनगर से अप्रोक्स 13 किलोमीटर्स ऊपर की साइड पे और ये कॉर्बेट की रेंज के अंदर ही आता है सो एज यू कैन सी कि ये जो एरिया है काफ़ी सराउंडेड है माउंटेन से जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की रेंज में आता है सो अभी हम लोग चेकिंग करने जा रहे हैं दिस इज लाइक अवर थर्ड रिजॉर्ट सो दिस इज डे 3 और आज की रात हम यहीं रुकेंगे और लेट्स सी दिस प्रॉपर्टी क्योंकि हमने दो दिन में काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी देखी है तो ये काफ़ी ओपन है और काफ़ी खेतों के बीच में लाइक आई गेस ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी रही होगी और लाइक पर्सनल खेत रहे होंगे उसके पर्सनल ज़मीन उसके उस पर उसने ये रिजॉर्ट बनाया है अभी तक तो सही लग रहा है ये आई गेस यहाँ का कैफेटेरिया होगा यप सो दिस इज़ कैफेटेरिया और
और मुझे हर दर्जे से फीलिंग आ रही है यहाँ पे. सो इग्नोर दिस म्यूज़िक. हाँ, और जो हमें रूम्स मिले हैं वो ये हैं. तो जो ये प्रॉपर्टी है काफ़ी बड़ी है, क्योंकि एज यू कैन सी काफ़ी रूम्स हैं यहाँ पे. जितने मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और इसके पीछे भी 7, 8, 9. काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी लाइक. सो अभी हम रूम्स पे जा रहे हैं अपने. सो लेट्स सी कि रूम्स कैसे हैं. सो ये है रूम नंबर 1 जो कि हमारा रूम है. सो नाइस एंड क्लीन. काफ़ी सही सा रूम है. और ये इसका बाथरूम. ओके, नॉट बैड. चलते हैं रूम नंबर 2 की तरफ जो कि है. मैं कम इन सर. हेलो. जो कि है रूम नंबर 2 जो कि रविन और काजल ने लिया है. रूम इज गुड, सेम एज ऑर्स. आई गेस का बाथरूम हमसे अच्छा होगा. कूल, पानी भी आ चुका है. तो रविन कितने टाइम में निकले अपन? 10 मिनट मैक्स. तो हम लोग जा रहे हैं पूल साइड. सो 10 मिनट में हम पूल की साइड चलेंगे. करो 10 मिनट्स. कूल, सो मैं मिलता हूँ 10 मिनट के बाद. गाइस 9 बज चुके हैं और हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो सपोर्ट स्टाफ था वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था. और प्लस जो रूम्स थे वो भी इतने खास नहीं थे. सो लाइक वी आर चेकिंग आउट. और बगल में ही एक दूसरा रिजॉर्ट हमने बुक करा है. सो लेट्स सी कि वहाँ वो प्रॉपर्टी कैसी होती है. सो वी आर चेकिंग आउट. और तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं. तो गाइज हम पहुंच चुके हैं कॉर्बेट सॉलिटेयर में. वहां से चेक इन करने का जो मेन रीज़न था कि वहां जो सपोर्ट स्टाफ था वो इतना सही नहीं था, प्लस रूम्स भी इतने ठीक से नहीं थे. तो लाइक क्या गया लेट्स सी दिस प्रॉपर्टी इनसाइड. सो जो रवि ने अभी वो फॉर्मेलिटीज कर रहा है चेक इन की. समझ जाओ. सो दिस इज़ द रिसेप्शन रूम. और जैसे ये लोग बताते हैं वैसे मैं आपको स्टेटस बताता हूँ. सो अभी हम जा रहे हैं रूम्स देखने के जो हमें अलॉट हुए हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ द पूल साइड. पूल कट जो टाइमिंग है वो बंद हो चुका है. सो कल सुबह इसके नज़ारे देखे जाएंगे. मेरे को लगता है कि दे विल अलाउ. नहीं, अभी अलाउ तो नहीं करेंगे. काफ़ी अंधेरा है तो मैं बंद करता हूँ वीडियो को. सो ये रूम नंबर 1 जो कि हमारा है. लाइक दिस इज़ द अटैच रूम जो कि रवीन और हमारा है. उस डोर से वो अपना रूम से भी आ सकते हैं. और लाइक दिस इज़ रूम नंबर 1 जो कि हमारा है. सो प्रेटी नाइस क्लीन रूम. मतलब उस रिजॉर्ट से तो काफ़ी अच्छा है. सी और ये लाइक यू कैन सी मी. और दिस इज़ वॉशरूम बेटर. और अगर आप इस खोलते हैं तो बाहर का आई गेस व्यू है जो कि मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा आ चुका है. मे बी इन द मॉर्निंग. सो मैं सही बंद कर देता हूँ. तो ये रहा हमारा रूम. सो गुरास का. हाँ जी, थैंक यू. सो गाइस दिस इज लोकल बुरास जूस जो कि आपको सिर्फ पहाड़ों में मिलेगा, मोस्टली उत्तराखंड और हिमाचल में. सो चीयर्स गाइस.
अमेजिंग। सो चलते हैं रूम नंबर 2 की तरफ, जो इन्होंने खोल ही दिया। ये इन्होंने जबरदस्ती खोल दिया क्योंकि इनको स्पेस नहीं मिल रही थी। अच्छा, मतलब बड़ा देखना बड़ा बड़ा देखना चाहिए इनको कि पैसे लगाए मैंने। सो दिस इज रूम नंबर 2 जो कि रविंद्र काजल का है। अगेन नाइस एंड क्लीन, सब सामान ऑलरेडी यहाँ पे है। सो दिस इज वॉशरूम, अगेन वेरी नाइस एंड क्लीन। सो यहाँ का रूम उस रूम से, उस रिजॉर्ट से काफ़ी अच्छा है। मुझे नहीं पता यहाँ से व्यू कैसा आ रहा होगा। बाहर का ही व्यू है आई गेस, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मे बी इन द मॉर्निंग। सो रूम्स आर प्रीटी नाइस और फार बेटर देन दैट रिजॉर्ट। सो खुश हो तुम? ओ प्लीज, ओ हटो, आर्गुमेंट नहीं। फाइनली चेक इन के बाद अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सो उन्होंने बोला है कि खाना खाने जल्दी आ जाओ, तो हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं डायरेक्टली। हम मंगा सकते थे बट वी फील लाइक कि ये नशा करते हैं भाई साहब, ये नशा कुछ इस तरह करा जाता है। और देख लीजिए विस्तार रूप से आपको ये करके दिखाएंगे। सो इसके लिए आप अच्छा सीवी तो पलटा देना, मैं ऊपर करता हूँ कैमरा, ठीक है? और सीवी हमने छुपा दिया गया, ठीक है। सो ये आपने कोकेन लेनी है स्वाद अनुसार, जितने भी आप ले सकते हैं। और ये आप ओके, सो ये आप क्रश कर दीजिए अच्छे से, जितना आप क्रश कर पाएँ, इस तरह कुछ इस तरह। तो ये ऐसा क्रश होती है और मैं दिखा रहा हूँ जोशी टीवी के माध्यम से कि किस तरह कोकेन को लिया जाता है। बच्चे कृपया इसे ना देखें, ओनली परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स, ओनली ओनली परफॉर्म बाय प्रोफेशनल्स ओनली। हाँ तो ये स्वाद अनुसार ले रहा है। अब फोटो नहीं आनी चाहिए बस। So guys, ये गौरव की दवाई है जो वो रोज लेता है। So this is not a cocaine, just we are just pranking him. तो guys चलो चलते यार, खाने के लिए लेट हो जाएंगे फिर। खा तो ले उसे। उसे क्यों खाऊंगा? अच्छा वो वैसे ही मॉर्निंग की थी। अभी तो अच्छा। मामा जी ने कहा कि चलो वहां से चले जाओ। So guys अभी चल रहे हैं, हमें कहीं फोन करके गए निकल दोबारा फोन मत कर दियो मेरे को, दोबारा फोन करता हूँ, निकल लो अभी। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको एक मिनट के बाद, बाय। सो फाइनली डाइनिंग एरिया में आ गए क्योंकि काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका है। खाना वैसे भी शायद कहीं मिलेगा हमें, बट वी आर ट्राइंग फॉर बेस्ट क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। सो ठीक है, कितने ए सी चाहिए क्या? नहीं थोड़ा वो तो पता ही है। तो सब इट्स ऑल गुड, ऑल गुड, सब हार्ट था, बहुत हार्ट, बहुत हार्ट, बहुत हार्ट, बहुत हार्ट। तो पानी तो आ गया, खाना कब आएगा? चलो चीयर्स। मिलते हैं। सो गाइज अब डिनर के बाद हम आ गए अपने रूम में और ये 3 दिन की जो ट्रिप थी वो फाइनली अब ख़त्म होने जा रही है। कल सुबह का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आई गेस जो कॉर्बेट है उसमें सफारीज जो हैं वो अभी नहीं चल रही हैं क्योंकि अभी सिर्फ एक गेट खुला हुआ है और वो सिर्फ बार बार से दिखा रहे हैं। तो ये कल ही पता चल पाया कि हमको सफारी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट मीनवाइल अभी मैं यही कह सकता हूँ लाइक कि अभी फ़िलहाल के लिए 3 दिन हमने बहुत इन्जॉय करा, बहुत मज़े आए और काफ़ी अच्छा बर्थडे रहा मेरा। काफ़ी टाइम बाद मैंने इतना इन्जॉय करा दोस्तों के साथ। सो बाकी का कल मैं आपको बताऊँगा अगर हमें जाने का मौका मिला। सो फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, ओके। सो मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।